मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ नीमच जिला इकाई द्वारा आज मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साठे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि महासंघ के आह्वान पर जिला नीमच से संपूर्ण जिले के समस्त सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारी अपनी उचित न्याय उचित मांग को लेकर आज से अनिश्चितकालीन कलम बंद आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिसके चलते समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान और सरकारी संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगी, जिसमें आम नागरिक और शासन प्रशासन को कार्य में परेशानी होगी। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग रखी गई कि सरकारी समिति के प्रभारी घोषित कर मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भर्ती वेतन भत्ते बीमा और अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली शासन द्वारा जो राशन कार्ड आ गया है उसे तुरंत आवंटन जारी किया जाए। गेहूं चना सरसों मक्का बाजरा आदि उपज विक्रय कार्य का कमीशन प्रासंगिक है, जो कि कई वर्षों से भुगतान नहीं किया गया है, जिसे तुरंत भुगतान के आदेश दिए जाए। ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारे द्वारा जारी रहेगी। आज की सबसे पहले हड़ताल इसलिए है कि सभी कर्मचारियों की करीब 25 साल से लंबित मांगे हैं राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का, उस संबंध में हमने हड़ताल जारी करी है। बहुत सारे आश्वासन मिल चुके हैं हमको और अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ। इस संबंध में हमने हड़ताल से आज से चालू कर दी है, पूरे प्रदेश में चालू है आज, और इससे संबंधित अब जो काम प्रभावित होंगे, सबसे पहले तो PDS का काम प्रभावित होगा, गरीब लोगों को राशन नहीं मिलेगा। सरकार की जो अभी 7 तारीख को अन्नपूर्ण जो योजना चल रही है वो प्रभावित होगी, और अभी सबसे महत्वपूर्ण योजना एक बार अभी चली हुई है कि पंजीयन चल रहा है अभी किसानों का, और आंदोलन भी चल रहा है किसानों का, तो पंजीयन का काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, और इससे संबंधित के किसानों का अभी क्रेडिट कार्ड पे ऋण भी दे रहे हैं अभी किसी को नए बना रहे उनको, प्लस अभी खाद बीज भी नहीं मिलेगा, और ऐसे अनेक काम हैं सोसाइटी के द्वारा जो सब प्रभावित होंगे जब तक यह हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। जब तक ऋण वसूली का काम भी अब चल रहा है, कितने कर्मचारी कितने केंद्र हैं कर्मचारी हमारे नीमच जिले में 68 सोसाइटियां हैं और 293 PDS की दुकानें हैं और 41 समर्थन मूल्य के केंद्र हैं, जिससे प्रभावित होगा काम सारा। आपकी क्या मांगे हैं किन कारणों? हमारे राज्य कर्मचारी संघ का दर्जा देना।